सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीज राहुल तिवारी एंड यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहां पर कंपेयर करने वाला हूं रियलमी 5 वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 8 के प्रोसेसर को। यहां पर जो कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को आ रहा है वो यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर के है। जो यहां पर मुझे कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि भाई, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन का प्रोसेसर हमें यहां पर फास्ट देखने के लिए मिलेगा, कौन सा स्मार्टफोन हमें यहां पर बेस्ट पड़ेगा प्रोसेसर के मामले में, क्योंकि कैमरा क्वालिटी बैटरी वगैरह तो ये तो सबको यहां पर नॉर्मल चीजें हैं, समझ में आती है किसमें आपको ज्यादा मिलती है किसमें कम मिलती है। लेकिन प्रोसेसर यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हम इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से बेस्ट प्रोसेसर स्मार्टफोन को यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को। यहाँ पर जो रियलमी के 5 में आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो मिलता है यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। मैं बात करता हूँ इन्फिनिक्स के हॉट 8 की, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया है मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ हीलियो P22 को और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 को, तो यहाँ पर जो हीलियो का P22 है इसमें जो आपको CPU फ्रिक्वेंसी मिलती है वो यहाँ पर 2 GHz की मिलती है। मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 665 की, तो यहाँ पर जो आपको CPU फ्रिक्वेंसी दी गई है वो भी यहाँ पर 2 GHz प्रोवाइड की गई है। यानी जो CPU फ्रिक्वेंसी है इन दोनों प्रोसेसर की वो यहाँ पर सेम है। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर बिट की, तो दोनों में आपको 64 बिट यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसर में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है ये थर्ड जनरेशन AL इंजन परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। यहाँ पर इसमें जो भी आपको नेटवर्क में जो भी सिग्नल वगैरह मिलेंगे वो काफी तेज यहाँ पर मिलेंगे, काफी फास्ट मिलेंगे। मतलब सिग्नल कैचिंग जो कैपेसिटी है इस प्रोसेसर की वो यहाँ पर काफी फास्ट है। मैं बात करता हूँ अगर मैं मीडियाटेक के हीलियो P22 की, तो इसकी जो यहाँ पर सिग्नल कैचिंग जो फ्रिक्वेंसी वगैरह है वो भी मतलब काफी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट यहाँ पर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ ऐप लोडिंग टाइम वगैरह की, तो यहाँ पर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 में जो यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह जो लोड होती है वो काफी मतलब थोड़ी सी फास्ट यहाँ पर होती है। वहीं अगर बात करता हूँ हीलियो P22 की, तो यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 665 है इसमें जो ऐप लोडिंग टाइम वगैरह है वो थोड़ी सी फास्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साथ में फिंगरप्रिंट अनलॉक भी यहाँ पर थोड़ा फास्ट इसमें देखने के लिए मिलता है, फेस अनलॉक भी फास्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 665 में। वही मैं बात करता हूँ चार्जिंग वगैरह की, तो यहाँ पर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है ये यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन फिलहाल कंपनी की तरफ से यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को प्रोवाइड नहीं किया गया है रियलमी के 5 में। और यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 665 है इसमें आपको हाई गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है, यानी आप अच्छे से अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब हाई ग्राफिक्स वाले भी गेम यहाँ पर खेल सकते हैं मीडियम या फिर लो सेटिंग्स पे। वही अगर बात करता हूँ हीलियो के P22 पे, तो यहाँ पर भी आप खेल सकते हैं गेम, लेकिन थोड़ी सी जो लैगिंग है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है अगर आप यहाँ पर मतलब हाई सेटिंग वगैरह पे खेलते हैं। लो सेटिंग पे अगर आप यहाँ पर इस फोन पे खेलेंगे तो मतलब काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर निकल करके आता है इन्फिनिक्स के हॉट 8 का। अगर बात करता हूँ रियलमी के 5 के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 665 है वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब फास्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक के हीलियो P22 के। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसर को लेकर के, और यही था कुछ इस वीडियो में। आशा करता हूँ छोटी जानकारी उस समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।